नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार सुबह से ही कर्नाटक और महाराष्ट्र में लगभग 44 लोकेशन पर छापेमारी की है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक ये छापेमारी वैश्विक आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के जरिए देश भर में आतंकी हमला कराने की साजिश से जुड़े एक मामले में हो रही है। ISIS की गिनती दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठनों के तौर पर होती है। ANI के मुताबिक शनिवार सुबह से जिन 44 जगहों पर ANI की छापेमारी चल रही है, उसमें से कर्नाटक में एक जगह पर छापेमारी हुई है। वहीं NIA के अधिकारियों ने पुणे में 2, ठाणे ग्रामीण में 31, ठाणे सिटी में 9 और भयांदर में 1 जगह रेड की है। NIA भारत में आतंक और हिंसा फैलाने की आतंकवादी संगठन की योजनाओं को विफल करने के लिए व्यापक जांच कर रही है। पहले भी इस तरह की छापेमारी की गई है, जिसमें कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं NIA के अधिकारियों की अभी भी छापेमारी चल रही है। ऐसे में इस बात की भी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर अधिकारियों को कोई लीड या सबूत मिलता है तो अन्य जगहों पर भी छापेमारी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो छापेमारी वाली लोकेशन की संख्या बढ़ जाएगी। NIA की तरफ से जिस मामले में कार्रवाई हो रही है वो इस्लामिक स्टेट से जुड़ा हुआ है। इस्लामिक स्टेट के कुछ आतंकी अभी भी एक्टिव हैं, जिनके भारत में भी होने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ISIS के सेल्फ स्टाइल्ड मॉड्यूल देश भर में फैले हुए हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र में ऐसे IS मॉड्यूल के छिपे होने की जानकारी है। पहले भी महाराष्ट्र में इस तरह के मॉड्यूल का भंडाफोड़ हो चुका है। NIA इस बात की भी जानकारी जुटा रही है कि कहीं इन मॉड्यूल में युवाओं को बहलाने फुसलाने और उन्हें कट्टरपंथी बनाने का काम तो नहीं किया है, उन्हें इंटरनेट से डाउनलोड कर कट्टरपंथी कंटेंट तो नहीं पहुंचाया जा रहा है। जांच अधिकारी इस बात का भी पता लगा रहे हैं कि कहीं ISIS मॉड्यूल के जरिए युवाओं की आतंकी संगठन में भर्ती तो नहीं की गई है, आतंकी युवाओं की भर्ती कर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं।